जहांगीराबाद नगर और क्षेत्र में बुखार के कहर से दो की मौत हो गई है और दर्जनों लोग बुखार की चपेट में हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बदलते मौसमी मिजाज के चलते बुखार ने अपने पांव पसार लिए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मुरादाबाद जनपद के गांव भीकनपुर बघा में उस समय हड़कंप मच गया जब दावत में लड्डू खाने से लगभग 150 लोग बीमार हो गए। आनंद फानंद मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया गया और आधा दर्जन गंभीर मरीजों को अस्पताल रेफर करके भर्ती कराया गया। दावत में तो छोले पूरी और काशी फल बड़ा ये सब चीज क्या हुआ फिर? खाने के बाद में 10 पलटी चालू हो गए। कितने लोग बीमार हो गए लगभग? कम से कम हमारे गांव में होंगे कम से कम 40-50 आदमी से ज़्यादा ज़्यादा। कैसी हालत हो सकती? सबकी हालत बहुत बुरी है। यही हालत है, अपने आप जैसे धमकी मार रहे हैं बोले के तो नीचे को अपने आप राय लेकर। क्या चीज़ खाने से हुआ ये? वही तो छोले पूरी। क्या प्रोग्राम था? RST। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है, मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पे नियुक्त हूँ। हम लोग को सुबह सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने एक टीम बना के हम लोग तुरंत यहाँ से रवाना हो गए थे भीकनपुर गांव के लिए। वहाँ पे जाके हमने करीब 150 के करीब मरीजों को देखा है जो कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत कर रहे थे कल से। तो उन सारे मरीजों को देखा, उनका इंजेक्शन और दवाइयों से उपचार किया है। वहाँ पे जो मरीज थोड़े सीरियस हो रहे थे उनको हम लोग ने एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पे 108 और 102 के द्वारा यहाँ पे हमने कुंदरकी ब्लॉक पे बुलवा लिया है CHC पे, और जो सीरियस मरीज है उनका उपचार अब यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टर साहब क्या बता, क्या मरीज जो, हाँ जैसा कि सारे मरीज बता रहे हैं कि कुछ किसी उसमें गए थे ये गैदरिंग में जहाँ पे इन्होंने कोई लड्डू खाए थे बने हुए। ज़्यादातर मरीज यही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उन्होंने लड्डू खाए थे जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई और इन्हें उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से शरीर में पानी बहुत कम हो गया था और सब बहुत बीमार हो गए। अभी फिलहाल क्या कैसी हालत है? अभी देखिए ज़्यादातर मरीज तो अब थोड़ा ठीक होने की कगार पे आ गए हैं, उनको दवाइयाँ दी हैं, लेकिन जो सीरियस मरीज हैं उनको हम अपने अस्पताल में यहाँ पे उपचार दे रहे हैं, और जो भी उनको इन्फेक्शन है हमें लगता है कि 2-3 दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा, बेहतर होंगे वो। मेरठ में एक एड्स पीड़ित व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। यूपी के मेरठ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 3 युवतियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के माने तो पिछले काफी समय से ये लोग देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं। सर, एक गंगानगर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को सूचना मिली थी कि गंगानगर में ओ पॉकेट में अनैतिक व्यापार का धंधा चल रहा है, और इसके संबंध में उन्होंने सूचना डेवलप की और सीओ सदर देहात साहब के साथ वह दबिश दी गई। कुल 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इनको जो जेल भेजा जाएगा। अच्छा सर, कितनी लड़कियां पकड़ी गई है और कितने जेंट्स पकड़े गए हैं? 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं, 2 पुरुष पकड़े गए हैं। सर, इनमें कुछ संचालिका भी पकड़ी गई है? हाँ, एक महिला संचालिका के रूप में उसी ने मकान को 4,000 रुपये किराए पर ले रखा था, और पहले भी वो जेल जा चुकी थी थाना मेडिकल से, इस बात की छानबीन कराई जा रही है। अच्छा सर, किस तरीके से ये इस धंधे को करते थे? अभी पूछताछ चल रही है, जितनी जानकारी ली जा रही है। सर, इसे ये इसमें बच्चा भी है, इसका बच्चे का क्या रोल है? बच्चे का तो कोई रोल नहीं है, बच्चे का कोई रोल नहीं। मेरठ में एक मासूम बच्ची के परिजनों ने अपनी ही बच्ची के अपहरण के बाद कत्ल की आशंका जताई है। मासूम बच्ची पिछले 2 दिनों से लापता है। पुलिस ने इस मामले को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। और कल एक बच्ची के 363 IPC का एक मुकदमा लिखा हुआ है, उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, और अभी जो पूछताछ में निकल के आया है उसमें कुछ तथ्यपरक चीज़ें बहुत नहीं स्थापित हो पाई हैं, इसलिए अभी उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। शाहजहांपुर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने दिव्यांग फरियादी की फरियाद पर उसे तत्काल ई रिक्शा दिया। तब फरियादी ने DM से कहा कि उसे ई रिक्शा चलाना ही नहीं आता है, तो जिलाधिकारी ने खुद रिक्शा पर सवार होकर फरियादी को ई रिक्शा चलाना सिखाया। गंगापुर सिटी में अपनी कई मांगों को लेकर वार्ड परिषद ने नगर परिषद के मेन गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा किया।
इस दौरान पार्षदों, नगर आयुक्त और उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। गंगापुर सिटी के प्रधान डाकघर खंडार उप डाकघर में महामेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में नियम अनुसार व्यवस्थाएं की गई। इस दौरान कई प्रकार के खातों की जानकारी भी दी गई। जो महामेला लगाया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकर के कनेक्ट इंडिया अभियान के तहत हमने साइलेंट खातों को पुनर्जीवित करने के लिए यह मेला लगाया गया है। इसके साथ हमने इसमें IPB के खाते खोलने का भी वो हमारा उद्देश्य था और बचत बैंक खाते व सुकन्या खाते ये इसके लिए इसका मेन हमारा उद्देश्य था। यह मेला हमने गंगापुर सिटी में गंगापुर सब डिवीजन का लगाया तथा के खंडार में सवाई माधोपुर सब डिवीजन का लगाया गया है और हमारा मेला अभी प्रोग्रेस पे है, वो चल रहा है, शाम तक इसके सारे फाइनल फिगर आ गए। अच्छा सर, और इसमें क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं आप? हमारे यहाँ आधार कार्ड बनते हैं जिनका आधार कार्ड का नए आधार कार्ड का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, अपडेशन का कार्य किया जाता है और WMT विदेश से पैसे मंगाने की सुविधा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है और पंखे है, यह सुविधा भी हमारे डाकघर में उपलब्ध है। गंगा जल की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और अन्य सेवाएं भी हम कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है लेकिन अभी भी असलाह विभाग के 2 संविदा कर्मी फरार चल रहे हैं। 15 अगस्त पर IB की रिपोर्ट के बाद दिल्ली समेत UP में आतंकी हमले की साजिश के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हाई अलर्ट के बाद गाजियाबाद में मॉल, मुख्य बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए। 15 अगस्त को ईद और रक्षाबंधन और जो स्वतंत्र दिवस है वो दोनों हैं, उसको देखते हुए पिछले कई दिनों से जो सतर्कता है, जो चेकिंग है वो बढ़ाई गई है। जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं उन पर पॉइंट्स हैं, उन पर लगातार चेकिंग चल रही है। जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, मॉल्स हैं, उन पर लगातार चेकिंग चल रही है और हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। और जैसे जैसे ये अभी 2 दिन हमारे बाकी हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग लगातार की जाएगी। जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन पर लगातार हम लोग चेकिंग कराएंगे। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उन पर लगातार चेकिंग कराएंगे और बिल्कुल सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई ऐसी घटना ना हो जो दिक्कत तलब हो। रूट डायवर्जन को लेकर सर क्या कुछ प्लानिंग है? जो रूट हर बार रहता है बॉर्डर, खासतौर पर अगर बॉर्डर की बात करें क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली सटा हुआ है, उसको लेकर क्या प्लान? देखिए, हमारा रूट डायवर्जन जो है वो बेसिकली दिल्ली के रूट डायवर्जन पर भी निर्भर करता है और अभी उसके प्लानिंग की जा रही है और इन एडवांस रूट डायवर्जन का प्लान जारी किया जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर में इन दिनों पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस के सामने से वाहन चालक बिना हेलमेट के गुजर रहे हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। करौली जिले के आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर को समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। आज की साप्ताहिक बैठक में हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे मुख्य सचिव महोदय ने आज एक नेशनल हाईवे के इश्यूज़ को लेकर के मीटिंग आयोजित की थी। उसमें हमारा SDM सपोर्टरा SDM करौली से रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं, उनको शीघ्रता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसी विद्युत को निर्देशित किया कि जितने भी जो तार हैं, जो लूज हैं, जिनकी वजह से लोग या जानवर में करंट आ जाता है, उनको ऊंचा करने के लिए कहा और जो एक्चुअली हमारे पोल डैमेज हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए निर्देशित किया। कृषि और घरेलू कनेक्शन को प्राथमिकता से यथाशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया और ये तय किया गया कि एक निर्धारित लक्ष्य प्रति सप्ताह का करके इनको 2 माह में सभी कनेक्शंस कर दिए जाएंगे। करौली राजकीय PG महाविद्यालय में NCC कैडेट चयन शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में 44 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता, मेडिकल जांच के साथ साथ दौड़ कराकर कैडेट का चयन किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे यहाँ टोटल 326 बॉयज एंड गर्ल्स ने एनरोल किया है, जिसमें से टोटल हमको 33% के हिसाब 17 लड़कियां लेनी है और 36 लड़कों का सिलेक्शन करना है। बात यूपी के सिद्धार्थनगर की करते हैं, जहां डुमरियागंज चंद्रदीप घाट मार्ग पूरी तरह से खस्ता हालात में है। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से आए दिन दुपहिया सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त मार्ग पर लोगों का चलना दुश्वार है, लेकिन फिर भी सड़क को ठीक नहीं करवाया जा रहा। कानपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में जरिए कंट्रोल रूम और स्थानीय सूचना प्राप्त हुई कि दो लोगों का मृत शरीर प्राइमरी स्कूल में पड़ा हुआ है, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर सल्फा आदि की गोलियां हैं और उल्टी भी हुई है। पूर्व में भी लड़की के घर से जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत था, जिसमें बरामदगी हुई थी। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुठभेड़ के दौरान दो शातिर बदमाशों को गोली मारकर घायल कर पकड़ लिया गया। उनके तीन साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये दोनों अपने अन्य साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों के पास से तमंचा और बाइक को बरामद किया गया है। थाना हस्तिनापुर में 7 अगस्त को डिफेंस कॉलोनी में एक घर में घुसकर कुछ युवकों ने पाइप इत्यादि का सर्वे करने के बहाने एक महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। उसी क्रम में सर्विलांस टीम और थाना की टीम को लगाया गया था। कुछ इनपुट भी प्राप्त हुए थे और कुछ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो फॉरेंसिक साइंस लैब से भी कराया गया था, उसमें तो उसमें कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। उसी इनपुट पर कार्य करते हुए हमें कुछ लोगों के बारे में पता चला था, एक गैंग के बारे में पता चला था जो कि इस प्रकार की कृत्य करता है। उसकी आज एक मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि वो फिर सैफपुर पुलिया पर इकट्ठा है और फिर किसी इसी प्रकार की घटना को थाना मवाना या थाना हस्तिनापुर में अंजाम दे सकते हैं। इसमें जो सर्विलांस की टीम है और थाना हस्तिनापुर की टीम है, उन्होंने उनकी घेराबंदी की। अपने आप को घिरता देखकर इन बदमाशों ने थाना टीम पर फायर किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में जब जवाबी कार्रवाई की गई तो देखा गया उधर काफी लोग हैं, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो दो लोगों को जिनके नाम की शहीम और राकेश सामने आए हैं, जो कि दोनों एक सटला गांव थाना मवाना और एक राजू वाली मस्जिद थाना मवाना के पास के रहने वाला है, इन दोनों को घायल अवस्था में वहां पर पड़े पाया गया। इन्होंने बताया कि तीन और साथी थे, तो वो तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। उनकी कॉम्बिंग लगातार की जा रही है। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और इसके साथ ही इस घटना का कुशल अनावरण किया गया है। इसमें कुछ और भी इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर के एक अस्पताल में अधेड़ की किडनी निकालने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जानकारी के बाद अस्पताल प्रशासन पीड़ित परिवार से समझौते की कोशिश करता रहा और आखिरकार डॉक्टर ने समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। ये जो कृष्णा हॉस्पिटल में किडनी निकालने का एक मामला आ रहा है सामने, इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? इस संबंध में कहना ये है कि अभी लगभग 2 घंटे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा टेलीफोन पर सूचित किया गया कि शिवदीन पुत्र नंकू निवासी मझारा मिर्जापुर थाना और सारापुर जनपद के का एक मरीज जो है उनके बारे में ऐसी घटना उनको सूचना मिल रही थी, तो जांच के लिए मुझे भेजा गया। तो त्वरित जांच जानकारी इकट्ठी वहाँ की गई है, तो उनकी पत्नावली और जिसे BST बोलते हैं मरीज का रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है उससे वहाँ से काफ़ी पुष्टि होती है। डॉक्टर के नोट में लिखा गया है कि हाँ इसकी किडनी निकाली गई है और उनके हिसाब से अस्पताल के अभिलेखों के हिसाब से वो एक खराब किडनी थी जो उन्होंने